आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 21 जनवरी के श्री वरदान की। हर शब्द की कीमत है, हर शब्द बहुत ही सोच समझ करके बोलना चाहिए, हमने सुना भी है, लेकिन हर शब्द को हमें बहुत ही अच्छे से अंडरलाइन करना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि वो शब्द औरों से ज्यादा पहले कहीं हमें ही कहीं धोखा और दुख ना दे दे। एग्जैक्टली, बिकॉज आप जो अपने मन की फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हो वो आपके इस मुख से निकलता है। तो इनपुट एंड आउटपुट, तो हम मन की फैक्ट्री में क्या रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम देख सकते हैं जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं। दैट मींस अगर आपको कहीं किसी को लेक्चर देना है, कहीं किसी को जाकर के कुछ समझाना है, किसी को गाइड करना है, तो इट्स इम्पोर्टेंट ज्यादा है कि आप वहां जा के बोलो, उससे पहले आप अपने मन में सोचो कि आपको बोलना क्या है और उसको आप बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड्स में अंडरलाइन कर लें कि इस सेंटेंस या ये मेरे बोलने से मुझे भी फायदा हो रहा है और किसी को भी फायदा हो रहा है और किसी का नुकसान ना हो। तब जाकर के वो वर्ड्स जो हैं उन वर्ड्स के कारण आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो देखिए आज परमात्मा कहते हैं इन चीजों के बारे में, बोल पर डबल अंडरलाइन कर हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु भव। परमात्मा तो सतगुरु है लेकिन हम बन सकते हैं मास्टर सतगुरु। तो कैसे बन सकते हैं आज हम समझते हैं। आप बच्चों के बोल ऐसे हों जो सुनने वाले चात्रक हों कि यह कुछ बोलें और हम सुने। दैट मीन्स उनको इतना अट्रैक्शन हो, उनको इंटरेस्ट हो और उनको ये फील हो कि इनसे कुछ मुझे खजाने मिलेंगे, ये कुछ कहेंगे तो उससे मेरा मन खुल जाएगा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो वो बोल किसी के मदद वाले बोल हो, तब आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू बढ़ती है। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। जैसे परमात्मा के ये महावाक्य हम सुन रहे हैं जो वरदान है, कितने अनमोल हैं, ये हमें समझा रहे हैं परमात्मा। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, थोड़े में ही सब कुछ आ जाता है, सारा सार उसके अंदर आ जाता है। अगर आप कोई चीज को बहुत विस्तार कर रहे हैं, दैट मीन्स आपने अपने मन के अंदर उस चीज को पहले क्लियर नहीं किया है। टू द पॉइंट, शॉर्ट एंड स्वीट जिसको हम कहते हैं, कि आपने अपने मन के अंदर क्लियर करा हुआ है कि ये ऐसा होना चाहिए, ये बात ऐसी रखनी चाहिए और उसको फिर आप एड्रेस करते हैं और उसमें आप चेक कर लेते हैं कि हाँ क्या चीज व्यर्थ है और क्या चीज समर्थ है, उसको आप रख लेते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, हमें पता है खाना पकाते समय कोई सब्जी काट रहे हैं उसमें कौन से पार्ट्स यूज करने वाले हैं और कौन से पार्ट्स यूज करने वाले नहीं हैं, हमें पता होता है तो हम उसको हटा देते हैं। उसी तरीके से हमें पता होता है कि दाल में से कंकड़ हटा देने पड़ते हैं, तो उसी तरीके से हमें पता है कि हमारे मन में जो यूजफुल थॉट्स हैं उसमें से अगर हम कंकड़ वाले थॉट्स, किसी को हर्ट करने वाले थॉट्स हों, कुछ व्यर्थ संकल्प हों जो कि हमें भी हानि पहुंचा सकते हैं लॉन्ग टर्म में और औरों को भी हानि पहुंचा सकते हैं, उनको निकाल दिया जाए। फिर परमात्मा कहते हैं जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। कोई अगर इंसान अगर जब चाहे जब बोलते उसको महावाक्य नहीं कहे जाएंगे, इसका मतलब वो बिना सोचे समझे बोलते हैं। आप सदगुरु के बच्चे मास्टर सदगुरु हो, परमात्मा हो गए सदगुरु और उनके बच्चे हो गए मास्टर सदगुरु, इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। मतलब कि हम जो कहें उससे औरों के जीवन में अच्छा असर पड़े। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है युक्तियुक्त है, बल्कि जो बोलना है युक्तियुक्त है, आपको पता है कि इस कहने से और इस मेरे वाक्य से काम भी हो जाए और किसी को बुरा भी ना लगे और दुख भी ना हो और सबको ये महसूस हो कि इसमें हम सबका कल्याण है, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लाभदायक है, वही बोल बोलो। बोल पर डबल अंडरलाइन करो, सोच समझ के कहना, उसमें नाप तोल के कहना, होता ना नाप तोल के बोल। तो हम जैसे कि दुनिया में चीजों में बिजनेस में भी नाप तोल के बोलते हैं, तो यहां पर भी हमें अपनी लाइफ में स्पेशली अगर हम परमात्मा के बच्चे, तो हमें नाप तोल के बोलने की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। और ये प्रैक्टिस हमारी पहले होती है अंदर, मन के अंदर, जिसको कहते हैं मेडिटेशन। आप भी सीख सकते हैं ताकि अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में रिस्पेक्ट कम है, आपको लगता है कि आपके जीवन में लोग आपकी बात नहीं मानते हैं, बात नहीं सुनते हैं आपकी, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपके जो थॉट्स हैं उनकी क्वालिटीज को आप कैसे चेक करें और फिर उसके बाद में उनको आप यूज करें और को बताने के लिए। और ये सब कुछ हो सकता है ब्रह्म कुमारी इसमें जब आप मेडिटेशन सीखते हैं।